ये देखिए सनाया दिल्ली हाउस से अपनी दादी के गोदी में आ रही थी और फिर कुछ देर के लिए मोना की में और मेरी में, इसको हमने बोला चुपचाप सो जा। और फाइनली हम लोग पहुंच गए थे मेट्रो स्टेशन पे। मेट्रो स्टेशन पे अभी मेट्रो के आने में टाइम था, पहले दूसरे स्टेशन की मेट्रो आई, उसके बाद फिर हम लोगों के तरफ की मेट्रो आई थी। तब तक हम लोग मेट्रो स्टेशन पे ही खड़े थे। सनाया कुछ बातें कर रही थी बट ड्यू टू काफ़ी सारी जो नॉइज़ आ रही थी उसकी वजह से उसकी आवाज़ क्लियर नहीं आ पा रही थी, जो वो बोल रही थी वो वीडियो में सुन नहीं पा रहा था। तो ये देखिए दूसरी तरफ की वीडियो आ गई थी, उसमें ये अभी कह रही थी कि ये हमारी मेट्रो नहीं है, हमारी मेट्रो तो आएगी अभी। और उस सामान के लिए भी वो सामान का काफ़ी ध्यान रख रही थी, क्योंकि उस सामान में उसके लिए जो कपड़े लेके आए थे वो थे उसके कजिन्स के कपड़े थे। तो काफ़ी मस्ती कर रही थी। आज भी हम लोग मार्केट गए थे, एक्चुअली कल सनाया की शॉपिंग कम हुई थी तो आज शिवी शॉपिंग करके लाई थी। और ये देखिए शिवी ने अपना बैग उठा लिया था मेट्रो में बैठने के लिए, और ये बिल्कुल रेडी थी कि मेट्रो आए और मैं मेट्रो में फटाफट बैठ जाऊँ। ये फाइनली हम लोगों के स्टेशन की मेट्रो आ गई थी और हम लोग मेट्रो में बैठ गए थे। बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ था कि जो लास्ट वाला जो डिब्बा था वो मेट्रो का ऑलमोस्ट खाली था, उसमें बहुत कम लोग थे, इवन ना के बराबर ही लोग थे। तो ये देखिए सनाया बहुत मस्ती कर रही थी, आपको इसकी बैकग्राउंड से नॉइज़ आ रही होगी, क्या क्या ये बोल रही थी बार बार, कभी इस सीट पे आ रही थी, कभी सामने वाली सीट पे जाके बैठ रही थी, कभी लेट रही थी, उन लोगों जितने लोग बैठे थे उनको काउंट कर रही थी और पूछ रही थी सो जाऊँ। और ये देखिए वो लेट गई थी सीट पर, इस तरीके से वो फुल मस्ती कर रही थी बिकॉज मेट्रो में बहुत कम लोग थे, कोई उसको कुछ नहीं बोल रहा था। और ये देखिए ये फाइनली सो गई, उसके बाद ये हंस रही थी, जितने भी लोग मेट्रो में बैठे थे उनके साथ बातें कर रही थी, उनसे पूछ रही थी। ये देखिए बैकग्राउंड नॉइज़ में आपको ये सुनाई दे रहा होगा जो ये बोल रही है, बार बार उठ के खड़ी हो रही थी, फिर जैसे ही कोई नया स्टेशन आता था बाहर की तरफ विंडो से देख रही थी कि कितने लोग खड़े हैं यहाँ पे, कौन कौन है, पूछ रही थी अभी भर जाएगी ये मेट्रो, अभी इसमें बहुत सारे लोग आ जाएंगे। तो इस तरीके से आज इसने खाली मेट्रो में काफ़ी मस्ती की। और नेक्स्ट स्टेशन पे कुछ लोग आ गए थे तो फिर से ये काउंट करना शुरू हो गया इसका, कि काउंट करती हूँ कि कितने लोग आए हैं, हो गई। और फिर कभी वापस बैठना, कभी जाके पोल पे राउंड राउंड लगाना, खड़े होके डांस करना। यहाँ पे ये देखिए ये डांस कर रही है सॉन्ग के साथ। फिर एक और बच्चा आ गया था मेट्रो में, उसको देख रही थी, सीट्स पे चल रही थी, सीट्स पे लेट रही थी, तो इसकी फुल मस्ती ऑन थी ऑल द टाइम। जब तक मेट्रो में थी, जब तक कि मेट्रो में भीड़ नहीं हुई, तब तक इसने काफ़ी इन्जॉय किया है आज। इसको काफ़ी मज़े भी आ रहे थे मेट्रो की जर्नी में, इवन दो पूरे दिन ये सोई नहीं थी, मॉर्निंग में भी काफ़ी जल्दी खड़ी हो गई थी ये, बहुत जल्दी उठ गई थी, बट फिर भी इसको नींद नहीं आ रही थी। और फिर इसने स्टार्ट कर दिया अपना पोल डांस, जो कि इसका बेस्ट टाइम पास है, जब भी ये मेट्रो में जाती है इसको पोल डांस करना ही होता है, भले ही कितनी भी भीड़ हो या खाली। और आज तो बहुत अच्छा मौका भी था कि पूरी मेट्रो खाली थी, तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से पोल डांस कर रही थी, कभी इस पोल पे, कभी नेक्स्ट पोल पे, तो अच्छे से पोल पे डांस करते हुए खेलते हुए बस ये इधर से उधर जा रही थी। सब लोग इसी को देख रहे थे कि बच्चा कितना मस्ती कर रहा है, बहुत बोल रहा है। और बच्चों को एक तो कन्फ्यूजन था लोगों को ना इसको देख के कि इज इट ए बॉय और ए गर्ल, आधे से ज़्यादा लोगों को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये लड़का नहीं है लड़की है, बिकॉज इसका ड्रेसिंग भी आज इसी टाइप का था और हेयर्स तो है ही है। गाइस कमेंट कर लो, गाइस रात के बज के 11, अब बच्चे बच्चे घर, मैं बहुत व्यस्त था, मैं तो परेशान ही हो गया, डैड ने जो हार नीचे रखा था ना घर का, क्या ही बताऊँ आपको, मैं तब से मम्मा ये तब से काम ही कर रही है, दादू ने इन्हें कपड़े इकट्ठे कर दिए, सिंक बताना का भरा रखा है, पूछो ही मत, आखिर सब मैंने बुला दिया, जो घर ठीक ठाक था वो भी खराब, मैं तो बेचारी परेशान हो गई, क्या क्या करे, दादू ने फ्लाई वो समेटे
मैंने सुनाया वो समय थे, हमें मिलकर ने पागल किया, बस साल भर के लिए गई है, सर में दर्द हो गया। मम्मा को बोल रहे मानी नहीं थी, बेचारी ने बहुत काम करा ना मम्मा ने, उनका सिर दबा देती हूँ थोड़ी देर। नई वीडियो में मिलूंगी, नई वीडियो में बाय लिए बाय। नहीं पी है लिबी सर एंड हैप्पी बाय गाइस, लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय बाय, लव यू। मैं बोलूंगी कल, मैं बताऊंगी कौन सी शॉपिंग करी है दिवाली की, तब तक के लिए बाय, लव यू।